to 6 p.m. is that a total of 9,99,065 beneficiaries have been vaccinated for COVID-19, and for which a total of 18,159 sessions have been held. आज 21 जनवरी को जो 6 बजे तक के प्रावधानिक आंकड़े हैं, वैक्सीनेशन 27 राज्यों में किया गया और सारे देश में 1,92,581 लोगों को टीका लगाया गया. The figures for today up to 6 p.m. which are provisional vaccination sessions were organized in 27 states and UTs and a total of 1,92,581 beneficiaries were vaccinated, and the state UT specific figures are Andaman and Nicobar 388, Andhra Pradesh 15,507, Arunachal Pradesh 1518, Assam 2921, Bihar 15,798, Chandigarh 284, Andaman Nicobar mein 388, Andhra Pradesh mein 15,507, अरुणाचल प्रदेश में 1,518, आसाम में 2,921, बिहार में 15,798 और चंडीगढ़ में 284 लोगों को टीका लगाया गया. इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में 5,788, दादरा नगर हवेली में 59, दिल्ली में 5,128, गुजरात में 12,212, हरियाणा 15,491, हिमाचल प्रदेश 695 और जम्मू कश्मीर 2,408. The figures for Chhattisgarh who have been vaccinated today are 5,788, Dadra and Nagar Haveli 59, Boli 5,128, Gujarat 12,212, Haryana 15,491, Himachal Pradesh 695, Jammu and Kashmir 2,408. Similarly, in Karnataka, 16,103, Kerala, 10,266, Madhya Pradesh, 7,170, Meghalaya, 420, Mizoram, 1,029, Nagaland, 199, and Odisha, 26,558. Karnataka mein aaj 16,103 logon ko tika lagaya gaya, Kerala mein 10,266, Madhya Pradesh mein 7,117, मेघालय में 420, मिजोरम में 1,029, नागालैंड में 199, उड़ीसा में 26,558. इसी प्रकार पंजाब में 4,832, सिक्किम में 194, तमिलनाडु 6,497, तेलंगाना 26,441, त्रिपुरा 5,538, उत्तराखंड 2,003 और वेस्ट बंगाल में 7,187 लोगों को टीका लगाया गया. द करस्पॉन्डिंग फिगर्स ऑफ पंजाब आर 4,832, सिक्किम 194, तमिलनाडु 6,497, तेलंगाना 26,441, त्रिपुरा 5,538, उत्तराखंड 2,003 एंड वेस्ट बंगाल 7,187. As far as AFIs are concerned, today there was a case of one hospitalization who was vaccinated on 16th of January and developed intracranial hemorrhage on 28th January, is admitted in Gitanjali Medical College and Hospital, Udaipur, Rajasthan, and it is not related to vaccination and no death has been reported today. Aaj Rajasthan mein, Udaipur mein, ek vyakti ko गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल उदयपुर राजस्थान में भर्ती कराया गया है, जो जिन्हें 16 जनवरी को टीका लगाया गया था और उनको इंट्राक्रेडियल हेमरेज के कारण 20 तारीख से अस्पताल में भर्ती कराया गया. यह प्रकरण वैक्सीनेशन से संबंधित नहीं है और आज किसी मृत्यु की सूचना प्राप्त नहीं हुई है. कोविन सॉफ्टवेयर के बारे में हमने नया प्रावधान जो आज किया है, वो हमने एक से अधिक सेशन साइट का प्रावधान, एक सेशन साइट पर एक से अधिक सेशन आयोजित करने का प्रावधान और साइट लोकेशन को परिवर्तित करने को अलाउ किया है. और इसमें जो प्लानिंग और शेड्यूलिंग है सेशन की,
also to enhancement in the COVID software, we have created more session sites, more sessions per site, and change in the site location is now allowed. And planning and scheduling the sessions for entire week is enabled. And for enhanced safety, IEC campaign को प्रारंभ किया गया, जो वैक्सीन से संबंधित हिचकिचाहट है और जो गलत सूचना है, उसको दूर करने से संबंधित है. और इसके लिए हमने डिजिटल मीडिया पैकेज बनाया है, जिसमें प्रभावी संदेश हैं. और इसके लिए हमने उन व्यक्तियों के संदेश दिए हैं जो तकनीकी रूप से सक्षम है भारत भर में, और उसको हमने लॉन्च किया है. और इस सारे मैसेजेस में जो केंद्र बिंदु है, केंद्र ध्यान है, उसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि वैक्सीन सुरक्षित है, प्रभावी है, और कृपया किसी किस्म की रूमर्स और गलत सूचनाओं में ना आए, और वैक्सीन का इस महामारी को रोकने में प्रभावी भूमिका है. सो एन आईसी कैंपेन टू एड्रेस वैक्सीन हेजिटेंसी एंड मिस इन्फॉर्मेशन वॉज लॉन्च बाय ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टूडे. डिजिटल मीडिया पैकेज विद इम्पैक्टफुल मैसेजेस फ्रॉम की टेक्निकल एक्सपर्ट्स फ्रॉम द कंट्री हु हैव टेकन कोविड 19 वैक्सीन इज द principle behind this, and the focus is on the following messages. One, these vaccines are safe and efficacious. Do not believe in rumors and misinformation, and there is a critical role on vaccines in controlling the pandemic. To summarize, a total of 9,99,065 beneficiaries have been vaccinated till 6 p.m. 21st January as per the provisional reports. And no case of serious or severe AFI is attributed to vaccination till date. अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि आज दिनांक 6 बजे तक 21 जनवरी को 9,99,065 लोगों को यह टीका लगाया गया है, और कोई भी प्रकरण AFI का वैक्सीनेशन से संबंधित नहीं है. धन्यवाद. जय हिंद. नमस्कार. धन्यवाद सर. थैंक यू फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच. वैक्सीनेशन पे अपडेट देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोहर अफनानी जी, डॉक्टर मनदीप भंडारी जी. तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्रेजेंटेशन शुरू करें. नमस्कार. आज के अब शाम के 6 बजे तक का हाइलाइट्स ये हैं कि सारे देश में 9,99,065 लोगों को कोविड वैक्सीनेशन किया जा चुका है, और इसके लिए 18,159 सत्र आयोजित किए गए. द हाइलाइट्स एज ऑन 21st जनवरी 2021 अप टू 6 पीएम इज दैट अ टोटल ऑफ 9,99,065 बेनिफिशियरीज हैव बीन वैक्सीनेटेड फॉर कोविड 19 एंड फॉर विच a total of 18,159 sessions have been